लो भाई सिलसिला शुरू हो गया और पहली सर्विस से पॉइंट बनाने में निर्गाजने की टीम ने शुरुआत कर दी है और अभी तो बड़े मैच तो दूसरे राउंड में देखने को मिलेंगे, लेकिन ये भी मैच बड़े मैचों से कम नहीं है। दोनों तरफ से पॉइंटों का आदान प्रदान होगा। दोनों तरफ का डिफेंस बहुत मजबूत है। उन्होंने भी शुरुआत कर दी अपनी गाड़ी का छठा गियर पहले ही बदल दिया। जिंदगी की असली उड़ान बाकी है और अभी जीवने वालों का इम्तिहान बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन इन्होंने, अभी सारा आसमान बाकी है। भाई दाहा की टीम ने जवाब देने का रास्ता बना लिया है, बहुत बढ़िया। और इसी के साथ 50-50 था, 50% अंदर लगी थी। उसके पास खड़े हुए शुभम 7 नंबर प्लेयर पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नहीं थे कि वो बॉल अंदर लगेगी। उन्हें ये बहुत बढ़िया और इसी के साथ साइड लाइन के बाहर चली गई। दाहा की टीम को एक और अंक दे दिया, तो 3-1 के जवाब में निर्गाजने की टीम ने खाता खोल लिया था, पर उसके बाद दूसरा डिपॉजिट नहीं कर पाए। धरती के संपर्क में आ गई, यहां पर तो बॉल रिसीव हो जाती, डिफेंस हो जाता। नेट सर्विस, क्षितिज ने यहां पर सर्विस देने की कोशिश तो जरूर की, पर इसमें जिम्मेदारी पूरी नहीं की गई बल्कि औपचारिकता पूरी की गई। लाल 2-4, तीसरे पॉइंट की उम्मीदों के साथ ये सर्विस दी गई धीराइडी निर्गाजने की तरफ से। डबल का डिसीजन आया है, अगर ग्रामीण स्तर के रेफरी हो तो डबल को नजरअंदाज कर देते हैं, उन्हें पता नहीं लग पाता कि डबल हुई थी क्या हुई थी, वो तो रैली देखते हैं बस। तो यहां पर बहुत ही क्वालिफाइड रेफरी हमारे बीच में इस सर्चिंग दी, ये मौका फिर गंवा दिया। अगर आप गर्मी को मानते रहे और अपनी मेहनत से पीछे हट गए तो चुनौती बढ़ती चली जाएगी और निकट भविष्य में आपको नुकसान झेलना पड़ेगा। ये भविष्यवाणी कर रहा हूं मैं। प्रशांत ने इस बार तेजी का परिचय दिया, लेकिन इसके बावजूद भी समय कम और काम ज्यादा होने की वजह से दाहा की टीम ने 6 अंक बना लिए। 21 में से 6 बन गए, 15 की और जरूरत है अभी। 25 के तो भाई बेस्ट ऑफ 3 का ये मैच है, 25-25 अंकों के सेट हैं। बुढ़ाना की टीम का कोई सदस्य हो तो भाई बता दे, वरना फिर दूसरा राउंड शुरू हो जाएगा। छह 7 निर्गाजने की टीम ने अब घी निकालने के लिए उंगली को टेढ़ा कर लिया, इसी वजह से स्कोर 6-7। बहुत बढ़िया, यहां पर रनिंग स्मैच किया गया था, बहुत ही बढ़िया तरीके से दौड़ते हुए आए और अब बराबर हो गया स्कोर 7-7। लगातार 4-1 5-1 जब स्कोर हो रहा था तो निर्गाजनी के ऊपर बारिश के बादलों के साथ साथ खतरे के बादल भी मंडराने शुरू हो गए थे, लेकिन इन्होंने संभाल लिया और अब लीड बना ली 1 पॉइंट की, बढ़त बना ली।
वेरी गुड अट्रैक्टिव ब्लॉक अनबिलीवेबल ब्लॉक अनफॉरगेटेबल ब्लॉक 10-8 एंड निर्गाजनी ऑन 8 बोथ स्कोर्स आर सेम ऑफ बोथ टीम्स दोनों स्कोरों को अगर तुलना की जाए तो दोनों का स्कोर बराबरी पर 8-8 लार्ज एंड ह्यूज आउट फ्रॉम बैक लाइन सो दिस 9th पॉइंट इन अकाउंट ऑफ निर्गाजनी बहुत बढ़िया इसी के साथ चेक होते हुए पीछे की तरफ चली गई और यहां पर प्रशांत के लिए बढ़िया चांस और प्रशांत ने अपनी हाइट का और अपनी फाइट का मुजाहिरा पेश करते हुए एक अंक और अर्जित किया अपने निजी स्कोर में और अपनी टीम के और इसी के साथ निर्गाजनी दोहरे अंकों में पहुंचते हुए 10 अंक बनाने में सफल हो गई जबकि 10 का स्कोर अभी 8 है और अभी तो 2-3 उतार चढ़ाव आएंगे पहले सेट में क्योंकि 10 की टीम ज्यादा देर तक चुप रहने वाली टीम है नहीं और मेरी बात खत्म होने से पहले उन्होंने ये साबित भी करके दिखा दिया उदाहरण के तौर पर 9 स्कोर 9-10 हाँ जिस तरफ से सर्विस होती है उस तरफ का पहले स्कोर बोला जाता है तो 9 उनके और 10 इनके और अभी 11 पॉइंट निर्गाजनी का बन गया अभी अभी जबकि 9 पर है बहुत बढ़िया भाई क्षिति जी को बाहर से भी समर्थन मिला था दर्शकों का और इसी हौसला अफजाई की वजह से इन्होंने फुल पावर दी और डबल डिजिट में एंट्री कर ली दोहरे अंकों में पहुंच गए अब 1 पॉइंट की आवश्यकता है 11-11 बराबर करने के लिए बहुत बढ़िया प्रयास यहां पर फिर बढ़िया ब्लॉक और दाह की टीम ने भी 11 पॉइंट बना लिए निर्गाजनी के समकक्ष कुर्सी को पीछे 12-11 वेरी गुड वंस अगेन डबल ब्लॉक वाज वेरी कंफर्टेबल ब्लॉक एंड दिस 12th पॉइंट कंप्लीटेड एंड स्कोर ऑफ बोथ टीम्स सेम लेवल 12 फॉर ईच ये क्या भाई देहाती भी बैठे हुए तेरा बारह इसको बोर्ड पर देख लें जो पब्लिक स्कूल हो रहा है वो सुन लें और जो प्राइमरी स्कूल में पढ़े हुए भोजपुर जो भोजपुर में जवान है उन्हें बताना पड़ेगा और उन्हें बस भी दिखाई नहीं देता सर चीज कमजोर हो जाता कोई बात नहीं फिर भी पता करते करते कर ही लेंगे कोई चीज का कितना 2 पॉइंटों की बढ़त निर्गाजनी की है लेकिन सप्लाई 10 के पास है इस बार ये स्मैश बहुत बढ़िया चांस था यहां पर प्रशांत अपेक्षा से अधिक आगे चले गए थे फ्रंट फुट पर अगले पैरों पर चले गए थे जिस हिसाब से ये बॉल इनके कब्जे में नहीं आई इन्होंने कोशिश जरूर की लेकिन वो कोशिश बहुत ही कम पड़ गई नाकाफी साबित हुई 14-14 सर्विस की स्पीड तो बढ़िया थी लेकिन गाड़ी पटरी से उतरी हुई थी कोई फायदा नहीं इसका 15-14 बहुत बढ़िया उसी के साथ पहले से ही रास्ता उन्होंने इस मैच से इतना बढ़िया किया था कि रास्ता नहीं था
जब तक बॉल के पास पहुंचे उस समय तक बहुत देर हो चुकी थी। 15-15 बराबर, 15 इज इक्वल। बहुत बढ़िया, यहां पर बचाने की कोशिश की लेकिन विक्रांत ने सही समय पर समर्थन किया और यहां पर दो दो संभावनाएं मौजूद थी पर दुर्भाग्यवश ये स्वर्णिम अवसर भी इन्होंने गंवा दिया। अब दहा की टीम ने पकड़ बनानी शुरू कर दी लेकिन पकड़ बहुत ही कम है, एडवांटेज जरूर है पर एक पॉइंट का है, स्कोर है 16-15। और अब उन्होंने अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारकर जो एडवांटेज था उसे खत्म कर दिया। 16-16 बराबर। गौरव भाई बैदाहा ने एक कदम आगे रख लिया है और स्कोर 17-16 कर दिया। ये थोड़ी सी परिस्थिति बदल गई और हवा परवाह की बजाय पछवा चलने लगी। यहां पर भी ये बड़ा नुकसान कर लिया, अपना 3 पॉइंट खो दिए इन्होंने जो एडवांटेज के होने चाहिए थे, वो 3 पॉइंटों की बढ़त फिलहाल दहा के पास और स्कोर हुआ है 20-17। अब थोड़ा सा अपने आप को और ज्यादा संयमित रखना पड़ेगा। बेहतरीन ब्लॉक है भाई, इस बार डबल ब्लॉक में उज्जवल और प्रशांत दोनों थे और दोनों के संयुक्त प्रयास से ये अंक धीरा हेड़ी के खाते में जुड़ गया लेकिन अभी भी 2 मजबूत कदम और रखने पड़ेंगे और इससे पहले फिसलना नहीं है। बहुत बढ़िया भाई, राहुल भाई भी देखे खुश हो रहे हैं भाई सामने, ये इंटरनेशनल प्लेयर है जीवना के और इनके बालों से ही पता लगता है ऐसे बैठे जितना दुल्हन बैठी रहती है मुंह दिखाई से पहले हाथ बांध के। तो भाई 22 हो गए दहा के और 19 रह गए हैं निर्गाजरी के, निर्गाजरी की टीम पूर्व दिशा में है और पश्चिम में दहा की टीम है। ये नेट सर्विस और 20वां पॉइंट निर्गाजनी, निर्गाजनी की टीम को ये गोल्डन चांस मिला है और ये जो पॉइंट बनेगा ये गोल्डन पॉइंट के नाम से जाना जाएगा अगर निर्गाजनी की टीम ने कड़ी हार्डवर्किंग से ये अंक कंप्लीट कर लिया, मुकम्मल कर लिया और बना लिया। बहुत बढ़िया, फ्री में बना, बिल्कुल कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, हल्दी लगी ना फटकी, रंग चौखा आ गया। 21-22 हो गए और एक अगर और बन गया तो फिर सोने पे सुहागा, फिर 22-22 बराबर हो जाएगा। ड्रॉप डालने की कोशिश लेकिन इस बार फिर तैयारी कर ली और अभी सिलसिला जारी है और ये बहुत बढ़िया अपने
कलाई को इन्होंने टर्न देकर थोड़ा सा और मोड़ दिया था नीचे की तरफ और ज्यादा प्रेस कर दिया था नीचे की तरफ, अटैकिंग लाइन से थोड़ा सा पीछे की तरफ कोण बनाते हुए बॉल प्लेस हुई और एक अंक और बन गया। ये दिराइडी का बनना बहुत जरूरी था, तब पहला सेट और भी ज्यादा रोमांचक हो जाता। फाउल कर दिया और इस फाउल के सबब दाहा की टीम ने सेट पॉइंट कंप्लीट कर लिया अपना। अब 25 और आखिरी अंक चाहिए, 24-21। यहां पर परिवर्तन करना पड़ेगा, सप्लाई को अपने पक्ष में लेना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, 25वां पॉइंट बना लिया इन्होंने शुरुआत।